Of World के MCQs करेंगे। हमने एक ही लेक्चर के अंदर पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजन ऑफ द वर्ल्ड को कवर किया था उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या फिर आप चैनल में जाके उसको देख सकते हो

Answer, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे ऑस्ट्रेलिया अंटार्टिका एंड अफ्रीका इन ऑप्शन एंड अगर आप व्हाइट कॉन्टिनें को देखो व्हाइट कॉन्टिनेंट हम किस कॉन्टिनेंट को कह सकते हैं अब व्हाइट कॉन्टिनेंट आप शायद उस कॉन्टिनेंट को कहोगे जिसका कलर व्हाइट हो सकता है अब कॉन्टिनेंट का कलर कैसे होता है वी हैव एंटार्क्टिका हेयर एंड आपको पता ही होगा कि एंटार्क्टिका इज कवर्ड बाई आइस और स्नो थ्रू आउट दर और आइस या स्नो का कलर वाइट होता है सो so एंटार्क्टिका कलर में व्हाइट होता है स्नो सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज द वाइट कॉन्टिनेंट सो ऑप्शन सी वु द करेक्ट ऑप्शन वोइंगी हैव दसूलर कॉन्टिनेंट आप पेनसुलर कॉन्टिनेंट किसको हम कहेंगे पेनन्सुल आपको पता ही होगा कि उस लैंड फॉर्म को कहते हैं जिसको तीन तरफ से ऑन थ्री साइड जिसको वाटर से कवर किया हुआ वो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया इसको चारों तरफ से वाटर है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका इसको चारों तरफ से वाटर है अफ्रीका इफ यू सी नीचे से भी पानी है यहाँ से भी है ईस्ट वेस्ट से भी है और ऊपर से भी आपको मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे आपको रेड सी तो आपको चारों तरफ से पानी दिख रहा है बट इफ सी हेयर यूरोप यूरोप को आपको नॉर्थ में पानी दिखेगा वेस्ट में पानी दिखेगा आपको नीचे साउथ में भी पानी दिखेगा जो कि मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे आपको ब्लैक सी दिख रहा होगा बट इफ यू सी ऑन द ईस्टर्न साइड पे उसको पानी नहीं है इस तरफ से एशिया और इसके बीच में यहाँ पे है ये माउंटेन रेंज है जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था सो वी कैन से कि जो यूरोप है यूरोप को तीन तरफ से पानी है ओनली वन साइड है जो कि लैंड से बाउंडेड है सो इट्स बाउंडेड बाई वॉटर ऑन थ्री साइड नीचे से यहाँ से यहाँ से न से यूरोप जो है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनें नाउ कॉन्टिनेंट of continents हम आपने आपको बताइए होगा एशिया the largest continent अब इस, इसी को हम continent of continents कहते हैं इस वजह से because इट इज अ वेरी ह्यूज कॉन्टिनेंट इसमें हम कह सकते हैं कि ये जैसे छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्टिनेंट का बना हुआ इट इज वन कॉन्टिनेंट बट वी कैन कॉल इट अटिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑप्शन सी एशिया इज कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनें वॉन्ट क्वेश्चन फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन आईलैंड कॉन्टिनेंट नाउ अभी हमने पैनसुलर कॉन्टिनेंट देखा नाउ वील सी वॉट एन आईलैंड कॉन्टिनेंट इज अब आइलैंड किसको कहते हैं आइलैंड कहते हैं उस लैंड को जो चारों तरफ से वाटर से गिरी हुई हो अब यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट ऐसा है अब डिफरेंस आपको पता ही होगा कि कॉन्टिनेंट और आइलैंड में क्या फर्क है कॉन्टिनेंट भी एक लैंड फॉर्म है और जो आइलैंड है वो भी एक लैंड फॉर्म है उसमें भी दोनों में हो सकता है कि चारों तरफ से पानी होगा ओशन होगा बट जो आइलैंड होता है वो रिलेटिवली स्मॉल इन साइज होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा दिस इज द आइलैंड हेयर इसको हम कहते हैं मैडिगैसकर आइलैंड अब ये भी तो एक लैंड फॉर्म है इसको हम कॉन्टिनेंट नहीं कहेंगे बिकॉज ये छोटा है इन साइज यूज कॉन्टिनेंट होते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं बटी हैेंट इज दैट ऑस्ट्रेलिया ये कॉम्पेरेटिवली ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है एमेंगोल कॉन्टिनेंस और इसकी चारों तरफ पानी भी है दैट वाई वी कैन कॉल इट एज आईलैंड कॉन्टिनेंट दिस इज द ऑस्ट्रेलिया हेयर सो ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज द आइलैंड

यहाँ पे कहीं पे, पे आपको लैंड जो है वो ग्रीन दिख रही होगी और कहीं पे आपको इस तरह से जो है ग्रे दिख रही होगी ड्राई दिख रही होगी कहीं पे यहाँ पे ब्राउन कलर की आपको दिख रही होगी ये आपको दिखा दिखाता है कि वेजिटेशन कितना है ये यहाँ पे आपको ग्रे दिख रहा है बिकॉज दिस इज द डेजर्ट एरिया हेयर एंड इफ यू सी अगर आप एशिया को देखोगे एशिया में यहाँ पे ये यह मंगोलिया और एशिया का पार्ट सॉरी चाइना का पार्ट जो है ये डेजर्ट है बाकी पूरा रशिया यहाँ से आपको या इंडियन के प्लेन्स जो है ये ग्रीन दिख रहे होंगे आपको बट इसी तरह से आप साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को देखोगे इसमें भी दिखेगा यूरोप पूरा इसी तरीके से आपको ग्रीन दिखेगा अफ्रीका भी आपको दिखेगा सहारा इसका एक छोटा सा यहाँ पे डेजर्ट है एक पार्ट है इज ड्राई बट इफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में आपको उतनी ग्रीनरी दिखेगी नहीं बिकॉज ये मोस्टली जो है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया का जो ऑलमोस्ट यही वाला सारा पार्ट जो है ये पूरा डेजर्ट है इसके मेजर स्टीज जो है आप देख सकते हो यहाँ पे मेलबर्न कैनब्रा सिडनी ब्रिजबन ये सारी की सारी सिटीज स्टीज ईस्टर्न साइड पे और ईस्टर्न कोस्ट पे बसी हुई है बाकी ये वाला पार्ट जो सारा है ये इसका डेजर्ट uh, है ये ड्राई है एज कंपेयर टू द अदर सो दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया को हम कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स कहते हैं बिकॉज इसका एक मेजर पार्ट डेजर्ट है दैट्स ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज द कॉन्टिनेंट ऑफ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन वी हैव ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नोन एज द कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस अब ये कैसा क्वेश्चन है बट देर आर पीपल वहां पर रिसर्चर्स है ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का वहां पर एक रिसर्च स्टेशन है जहां पे रिसर्चर्स रिसर्च research करते हैं सो दैट्स वाई इसको कहा जाता है कॉन्टिनें डेडिकेटेड टू साइंस बिकॉज एंटार्टिका में लोग ऐसे हैं जो कि रिसर्चर्स हैं बाहर से आए हुए हैं और वो साइंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और या डिफरेंट साइंस की डिफरेंट uh, सब्जेक्ट्स के ऊपर वहां पे रिसर्च होती है दैट्स कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस को कहा जाता है सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन ऑन टू क्वेश्चन सेवन विच ऑफ कॉन्टिनेट इज नोन बाई द निक नेम ऑफ द डार्क कॉन्टिनेंट अब डार्क कॉन्टिनेंट को किसको गएंगे डार्क कॉन्टिनेंट इसको यूरोपियंस ने नाम दिया था क्योंकि उनको लगता था वहां पे जो लोग रहते होंगे वो खूखार होंगे

द साउथ अमेरिका सो कहीं ना कहीं आपको ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका सेम दिख रहे आपको सारे अलग दिखेंगे एशिया इतना बड़ा है और ऐसा दिखता है ऐसा कोई और कॉन्टिनेंट नहीं दिखता है ऑस्ट्रेलिया छोटा सा ऐसा दिखता है और कोई ऐसा नहीं दिखता बट अफ्रीका और साउथ अमेरिका कहीं ना कहीं इनकी ये एक दूसरे की मिरर इमेज लगते हैं सो वी हैव अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका दैट इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन वी हैव ंग कॉन्टिनेट एक्सटेंड इन ऑल द नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिसफेयर अब हमें बताना की कौन सा कॉन्टिनें नॉर्दर्न हेमिसफेयर में भी है साउदर्न में भी है ईस्टर्न में भी है वेस्टर्न में भी है सारे हेमिसफेयर में वो लाई करता है अब हेयर यू कैन सी यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखोगे की सबसे पहले आपको देखना है कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर किसको कहेंगे साउदर्न किसको कहेंगे ईस्टर्न किसको कहेंगे और वेस्टर्न किसको कहेंगे इफ यू कैन सी इक्वेटर है।, है, so है, है।, है, है ठीक है तो अब ऊपर जो है वो नॉर्दर्न में आएंगे और नीचे जो है वो साउथर्न में आएंगे अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ से आता है यहाँ से यहाँ से आता है सो यू कैन सी कि इसके एक तरफ मतलब इसके इस तरफ जो है उसको हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिसफेयर और इसके इस तरफ जो है उसको हम कहेंगे वेस्टर्न हेमस्फियर तो आप देखो कि यहां पे ये यह वाली लाइन और ये वाली लाइन अब अफ्रीका का जो पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिसफेयर में भी है मतलब आप इस तरफ से भी है और वेस्टर्न हेमस्फेयर में भी है क्योंकि इस लाइन के इस तरफ भी है एंड यू कैन ऑल्सो सी के बीच में जो लाइन है इक्वेटर इसके ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है सो अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जो कि चारों चारोंमिस्फेयर में आता है जो ईस्टर्न uh, में भी सॉरी ईस्टर्न में भी आता है वेस्टर्न में भी आता है नॉर्दर्न में भी आता है और साउदर्न में भी आता है आई होप यू कैन सी ये जीरो डिग्री है जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये जीरो डिग्री लैटिट्यूड है सो यू शुड रिमेम्बर दिस के अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जो कि नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिसफेयर चारों में आता है बिकॉज ये कैसे होता है बिकॉज इफ यू सी यहाँ पे जो जीरो डिग्री लैटिट्यूड है दैट इज द इक्वेटर और जो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है that is prime meridian, ये दोनों अफ्रीका के थ्रू पास होते हैं ये दोनों अफ्रीका के पास होते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर the वी है फॉलोइंग the three lines ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड Capricorn पास अब हमें बताने के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से पास होते हैं अब तीन लाइंस है और फिर से अभी हमने बताया कि इक्वेटर तो इसके थ्रू पास होता है लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला है जो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ ये ये यहाँ पे अफ्रीका के थ्रू पास हो रही है और नीचे भी ये जो है ट्वेंटी तो डिग्री साउथ ये वाली जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये भी अफ्रीका के थ्रू पास होती है सो तो ये वाली लाइन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये तीन अफ्रीका के थ्रू पास होती है एंड इट्स द ओनली कॉन्टिनेंट

ये पे आपको दिख रहा होगा दिस डेनेली डेनेली पीक ये डेनेली पीक आपको यहाँ पे दिख रही होगी दिस डेनेली पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज डेनेली माउंटेन पीक बट डेनेली माउंटेन पीक को हम माउंट मैकेनली भी कहते हैं सो डेनेली डी एन एल आई डेनेली पीक और माउंट इज द हाइस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ

साउथ अमेरिका में माउंट एगनकन है माउंट एगन गोवा जो है ये जो एंडीस माउंटेन रेंज है ये वाली जो है नॉर्थ साउथ अमेरिका की एंडीस माउंटेन रेंज है इसी में आपको माउंट एगन का गोवा है जो है यहाँ पे माउंट एगन का गोवा ये इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको दिखेगी सो यू शुड रिमेंबर साउथ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एगन का गोवा है नॉर्थ अमेरिका की जो है उसको डेनेली कहते हैं या माउंट मैकनली कहते हैं और अफ्रीका की जो है उसको माउंट क्लेमजारो कहते हैं यू शुड रिमेंबर दिस एंड फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन जो है वो माउंट एलब्रश है माउंट एलब्रेश यूरोप की हाइस्ट माउंटेन पीक है माउंट एलब्रश द हाइस्ट माउंटेन पीक इन यूरोप और अगर हम एशिया की बात करें एशिया में आपको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट इज द हाइस्ट माउंटेन पीक और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बताना है कि की एंटार्टिका की हाइस्ट माउंटेन पीक कौन सी है एंटार्टिका यू शुड रिम्बर एंटार्क्टिका की हाइस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट विंसन मैसेफ है माउंट विंसन मैसेफ इज द हाइस्ट माउंटेन पीक इन एंटार्टिका एंड वन मोर थिंग यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है माउंट कोजिस्को माउंट मौ, कोजिस्को जो है ये है, है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया सो so, इस तरह से हर एक कॉन्टिनेंट की हमने हाईएस्ट माउंटेन पीक देखी सो so, ऑस्ट्रेलिया की माउंट है एशिया की माउंट एवरेस्ट है यूरोप की आ, जो है माउंट एल्ब्रेश है अफ्रीका की माउंट कलमिन साउथ अमेरिका माउंट एकेनको एंड नॉर्थ अमेरिका की आ, जो है वो डेनेली और माउंट मैकेनली है और यूरोप की माउंट एलब्रेश है ये सारी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की सो दिस यहाँ पे ऑप्शन ट्वेल्व ऑप्शन क्वेश्चन ट्वेल्व का ऑप्शन बी करेक्ट है माउंट विंसन मैसिफ एंटार्क्टिका की हाइस्ट माउंटेन ऑन टू क्वेश्चन द लार्जेस्ट लेक इन देंट ऑफ अफ्रीका अब अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक कौन सी है Here, यहाँ पे आपको एक लेक दिख रही होगी ये बड़ी वाली लेक है अफ्रीका में दिस इज कॉल्ड द लेक विक्टोरिया लेक विक्टोरिया जो है ये लार्जेस्ट लेक है कहाँ की अफ्रीका uh, की एंड लेक विक्टोरिया से ही जो है ग्रे जो नाइल है नाइल uh, दरिया जो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर की एक ट्रिब्यूटरी जो है वो लेक विक्टोरिया से ही निकलती है जो तो हम कह सकते हैं कि जो नाइल है नाइल जो है लेक विक्टोरिया से ही निकलती है जो हाईएस्ट जो तो अब आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ी लेक है दैट इज लेक विक्टोरिया ये अफ्रीका में यही है एंड यहाँ पे ऑप्शंस है वी हैव कैस्पियन सी कैस्पियन सी आपको याद रखना है कि ये यूरोप की सबसे बड़ी लेक है एंड कैस्पियन सी आपको पता भी होगा कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है but the salt water lake this is the world's largest salt water lake and lake air lake, lake air is in australia or australia ki sabse badi lake lake air hai and then we have the lake superior lake superior jo hai ye world ki largest fresh water lake hai and it's right here aapko yahan pe north america mein dikhegi this lake uh, Lake Superior. सुपीरियर ये यहाँ पे लेक सुपीरियर है और ये पांच लेक्स हैं द ग्रेट लेक्स ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सो ऑप्शन लेक be be है लॉन्गेस्ट रिवर इन दफ यूरोप अब यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चार ऑप्शन है वी हैव वोलगा नायल मरीडालिंग एंड मिसेसिपी सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मिसिसिपी रिवर है मिसिसिपी रिवर इज इन नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ये और जो है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी आता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज द मिसिसिपी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है और तो आपको याद कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेकिन सॉरी रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर वो मिसिसिपी रिवर है साउथ अमेरिका की यहाँ पे आपको होगा यहाँ पे अमेजन रिवर है जो यहाँ पे ब्राजील के थ्रू जाती है तो साउथ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर जो है लॉन्गेस्ट वो अमेजन है सो so, नॉर्थ अमेरिका की आपको याद रखना है मिसिसिपी साउथ अमेरिका की आपको याद रखना है एमेजन रिवर है अब अफ्रीका की ऑब्वियसली नाइल रिवर है सबसे लंबी एंड यूरोप में आपको याद रखना है यूरोप में जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है यूरोप की जो लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज वोलगा इट्स वोल्गा वी ओ एल जी देन वी एशिया एशिया की आपको सबसे लंबी रिवर जो है वो आपको याद रखना है वो चाइना में है एंड दैट्स कॉल्ड एज द रिवर वाई ए एन जी टी ई रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इसी तरह से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी रिवर है दैट्स मरी डार्लिंग मरी डार्लिंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया तो इस तरह से हमने सारे कॉन्टिनेंट्स के जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं वो देखें तो वोल्गा यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है बीच लैटिट्यूड लाइन पासिस कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अभी हमने देखा कि डिफरेंट कॉन्टिनेट्स uh, के थ्रू डिफरेंट जो लैटिट्यूड्स um, हैं वो पास होते हैं ये बीच में ये वाली जो है ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये इक्वेटर है तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसके थ्रू एक ही जाती है ये इक्वेटर है ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये वाली डॉटेड लाइन जो है ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और ऑस्ट्रेलिया के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन पास होती है और कोई मेजर लैटिट्यूड इसके थ्रू पास नहीं होता है सो ऑप्शन

पूरा लाइक करता है साउद हमिस्फेयर मतलब ये जो बीच में इक्वेटर आपको दिख रहा है ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है जो इसके नीचे है पूरी की पूरी जो कॉन्टिनेंट है वो इसके नीचे है इस लाइन के नीचे है। अब आप ही बताओ कि जो ये बीच में इक्वेटर है इसके नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है पूरी तरह से इज ओनली वन सच कॉन्टिनेंट दैट इज ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आपको इसके पूरे नीचे दिखेगा इन में से जो यहाँ पे ऑप्शन हुए हैं सो देयर इज ऑस्ट्रेलिया सो ऑस्ट्रेलिया इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन द सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज इज दक्षिण गंगोत्री लोकेट है दक्षिण गंगोत्री क्या है ये इंडिया की कोई रिवर नहीं है दक्षिण गंगोत्री जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है उसको हम कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू द साइंस कहते हैं कहते हैं क्योंकि हर एक ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का वहां पे एक रिसर्च स्टेशन है और जो रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में इंडिया का है उसका नाम दक्षिण गंगा रखा गया है दक्षिण मीन साउथ साउथ गंगोत्री नॉर्थ गंगा दक्षिण गंगोत्री इज द रिसर्च स्टेशन दैट इज इन एंटार्क्टिका जो इंडिया को बिलोंग करता है सो so, दक्षिण गंगोत्री एंटार्क्टिका में है एंड दिस इज द रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया मूविंग ऑन टू द देयर इज अ माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप कॉल्ड माउंटेन रेंज कौन सी यूरोप में लाइक करती है एल्प हिमालय एंडीस एंड रॉकी अभी हमने देखा कि रॉकी जो है ये यहाँ साउथ अमेरिका में सॉरी नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंज है रॉकी साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज है एंडीज एंड हिमालया ये ऑब्वियसली एशिया की है एंड एल्प इज इन यूरोप आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में बी माउंटेन्स हैं एंड स्विट्जरलैंड में ये एल्प्स माउंटेन रेंज है सो so, एल्पस माउंटेन रेंज जो है ये कहाँ पड़ती है यूरोप में पड़ती है ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन मूविंग ऑन इन विच कॉन्टिनेंट इन इज द एटलस माउंटेन रेंज जो एटलस माउंटेन रेंज कहाँ है एटलस माउंटेन रेंज आपको याद रखना है ये है एफ्रीका में कहाँ पे एफ्रीका में सो so, एफ्रीका में एटलस माउंटेन रेंज लाई करती है

सो ये तीन ऑप्शन करेक्ट है सो ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट होगा बिकॉज की कैपिटल बिशकेक नहीं है नॉट बिशकेक बिशकेक इसकी कैपिटल नहीं है राधा बिशकेक आप देख सकते हो बिशकेक इज राइट हेयर इट्स कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान सो बिशकेक जो है ये ताजिकिस्तान की कैपिटल नहीं है ताजिकिस्तान की कैपिटल जो है वो तुषान बे है सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन मूविंग ऑन विच ऑफ फॉलोइंग सिटी इज नॉट द कैपिटल ऑफ एनी कंट्री अब कौन सी किस डिफरेंट uh, uh, यहाँ पे कैपिटल्स दी हुए हैं वी हैव सिटीज दी हुई हैं आपको बताना है कि कौन सी किसी कंट्री की कैपिटल नहीं है क्या बरा सिडनी वेलिंगटन रियाद डी से स्टार्ट करते हैं रियाद कहाँ पे है रियाद, रियाद सऊदी अरेबिया में है ऑब्वियसली पता होगा आपको एंड रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया अब वेलिंगटन कहाँ है वेलिंगटन इज इन न्यूजीलैंड जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा वेलिंगटन इज इन न्यूजीलैंड एंड ऑल्सो इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड देन वी हैव सिडनी एंड कैनब्रा अब सिडनी कहां है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है ये भी पता होगा एंड कैनबरा इज ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया ये भी पता होगा जो क्रिकेट देखते होंगे उनको कैनेबा एंड ऑस्ट सिडनी जो है दोनों पता होगा अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल एक ही है इनमें से कौन सी है वो दैट इज कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनेब्रा है सिडनी इज अ सिटी इन ऑस्ट्रेलिया बट सिडनी कैपिटल नहीं है ऑस्ट्रेलिया की सो सिडनी इज नॉट ए कैपिटल सिटी अमंग दीज ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन मुइंग ऑन टू टाइट फोर विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा सबसे लार्जेस्ट एशिया है सेकंड लार्जेस्ट इज एफ्रीकाशन डी इज द करेक्ट ऑप्शन लार्जेस्ट डेजर्ट इन दर्ल्ड वी हैव अब यहां पर लार्जेस्ट डेजर्ट आपको पता होगा सहारा है सो ऑप्शन सी वु बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी वु द करेक्ट ऑप्शन मोइंग लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया साउथ एशिया क्या है उसकी कौ, उसमें कौन सा डेजर्ट है एटकामा डेजर्ट कोलोराडो डेजर्ट 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 एंड थार ये क्या है साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया दिस इज एशिया एंड एंड इफ सी नीचे वाला वाला ये 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 जो है ये है साउथ रीजन इंडिया पाकिस्तान नीचे जो है आपको इंडोनेशिया ये इसको हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं अब इसका सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है सो so, नीचे आप देख रहे गए इनमें से यहाँ पे डेजर्ट्स हैं छोटे छोटे इंडिया में डेजर्ट है बट म्यांमार या फिर नीचे इंडोनेशिया इनमें उतना उतने डेजर्ट्स नहीं है इंडिया में जो डेजर्ट है दैट इज द थार डेजर्ट सो वी कैन से ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं यहाँ पे Among them, Thar is in South Asia. So Thar इंडिया में है and is the largest desert of South Asia. अब एशिया का largest desert कौन सा है एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में Gobi डेजर्ट एक आता है जो ऊपर मंगोलिया में आता है यहाँ पे आपको ये Mongolia में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे Gobi Desert है जो बहुत बड़ा डेजर्ट है इट्स द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया बट ये कोल्ड डेजर्ट है इसको इसके बारे में, में बट साउथ क्या है right यहां पे आपको साउथ अमेरिका में दिखेगा एंड जहाँ पे कोलोराडो डेजर्ट है यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के पास ये नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखेगा सो so, ये डेजर्ट जो है ये है ही नहीं इस एशिया में सो so,

कोल्ड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गोभी डेजर्ट है एंड यू कैन सी ये इसका मेजर पार्ट जो है वो मंगोलिया में है सो गोभी हिमालय पढ़े थे सो तो ये जो है गोभी डेजर्ट की वजह से चाइना का भी ये मेजर पार्ट जो है यहां से कोल्ड विंड्स आती हैं और इस वजह से यहाँ पे कोल्ड इफेक्ट उसका होता है तो यहाँ पे जो है चाइना में इस गोभी डेजर्ट से आने वाली कोल्ड विंड्स पे बहुत जो है कोल्ड इफेक्ट कोल्ड इफेक्ट पड़ता है जो हिमालयस है हिमालयस उन कोल्ड विंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं उनको इंडिया में घुसने से बचाते हैं सो so, अगर यहाँ पे हिमालयस नहीं होते तो शायद ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये भी एक डेजर्ट ही होते बिकॉज गोभी डेजर्ट से आने वाली कोल्ड विंड्स जो है वो क्रॉस कर जाती और वो इंडिया में घुस जाती सो है सो रिमेम्बर डेजर्ट इज इन मंगोलिया एंड इट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट मुंगोन इन व्हिच कंट्री इज द टकलामकान डेजर्ट अब ये टकलामकान डेजर्ट क्या है ये भी यहीं पर है ऊपर चाइना में आपको टकलामकान डेजर्ट दिखेगा सो इन द टकलामकान डेजर्ट हियर राइट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टी ए के एल ए एम ए के एन टकलामकान डेजर्ट ये चाइना में है सो टकलामकान डेजर्ट इज इन चाइना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है लिस्ट दी हुई है दो ऊपर दिया हुआ है गोबी डेजर्ट एटकामा डेजर्ट पैटनगोनिया डेजर्ट एंड थार डेजर्ट नीचे हमें दिया हुआ है मंगोलिया इंडिया अर्जेंटीना एंड चिली हमें बताना है कि कौन सा कौन डेजर्ट कहाँ प्लाई करता है अब आपको अगर पता नहीं होगा अभी हमने देखा कि गोभी डेजर्ट जो है गोभी डेजर्ट जो है ये कहा है ये मंगोलिया में है सो ए वन के साथ जाएगा ए वन के साथ जाएगा ये तो चारों में है अब थार का भी आपको पता है कि डी जो है ये इंडिया में है सो डी टू के साथ जाएगा अब डी टू के साथ जाएगा ये वाला है सो दिस वन

बाय व्हाट नेम आर द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नोन दुनिया में कोल्ड डेजर्ट्स को किस नाम से जाना जाता है मे बी आपने सुना होगा प्रेरीज स्टेपी ये शायद आपने सुना होगा दुनिया में अलग अलग जगहों पे ग्रासलैंड जो है उनको प्रेरीज स्टेपी से ना जाना जाता है बट टुंड्रा जो है टुंड्रा कोल्ड डेजर्ट्स को ही कहते हैं सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन दुनिया में कोल्ड डेजर्ट्स को टुंड्रा कहते हैं अब अगर क्वेश्चन आया आपको चार डेजर्ट्स दिए हुए हैं और आपको है कि इनमें से कौन सा टुंड्रा है So, वहां पे अगर एक ऑप्शन गोभी डेजर्ट दिया होगा तो यू शुड क्लिक ऑन गोभी गोभीट के कौन से साइड ईस्टर्न साइड वेस्टर्न नॉर्दर्न साउदर्न कौन सी पार्ट में आपको सबसे ज्यादा डेजर्ट दिखते होंगे हम मैप पे देखते हैं सबसे ज्यादा डेजर्ट किस साइड दिखते हैं अब यहाँ पे देखते हैं आप नॉर्थ अमेरिका को देखोगे तो डेजर्ट वाला पार्ट ये है साउथ अमेरिका में भी आपको इस साइड दिख रहा है अब अफ्रीका में भी आपको इस साइड ये नीचे दिख रहा होगा दिस इज द नामिब डेजर्ट यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी इस साइड डेजर्ट है सो तो कहीं ना कहीं ये साइड जो है ये वेस्टर्न साइड है तो वेस्टर्न साइड कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पे आपको ज्यादातर डेजर्ट दिखते हैं सो तो वेस्टर्न साइड में आपको कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा डेजर्ट दिखते हैं ऑन द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड ड्राइस्ट डेजर्ट कहाँ पे है अब अटकामा कलहारी सहारा थार डेजर्ट डिफरेंट डेजर्ट्स हमें देखे अब बताना है कि

सबसे बड़ा ओशन आपको पता होगा इट्स द पैसिफिक अगर हम छोटे ओशन की बात करें छोटा ओशन सबसे जो है वो आर्टिक है आर्टिक राइट है, ये आर्टिक है, ये पैसिफिक है, ये है है पैसिफिक 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 दिस साउथ बीच में ये अटलांटिक है नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक दिस इज इंडियन ओशन और नीचे ये साउदर्न ओशन है सबसे ऊपर जो एटला आर्टिक ओशन है आर्टिक ओशन इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन पांच ओशन, ओशन पे सबसे छोटा जो है वो आर्टिक ओशन है मूविंग ऑन

ओशन के नॉर्थ में एशिया है अब यहाँ पे देखोगे आप एशिया यहाँ है एंड यहाँ पे आपको नीचे इंडियन ओशन दिख रहा होगा सो इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया है इंडियन ओशन के नॉर्थ में ऊपर एशिया है सो इंडियन ओशन इज द करेक्ट ऑप्शन इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया आपको दिख रहा होगा मुइंग ऑन विच ओशन इज लोकेटेड द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है सॉरी नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है नॉर्थ अमेरिका ये है इसके वेस्ट में वेस्ट मतलब इस तरफ इसके इस तरफ कौन सा ओशन है ऑब्वियसली ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है सो यू कैन से दैट पैसिफिक इज द करेक्ट ऑप्शन सो यू हैव टू रिमेंबर जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की इस तरफ है ये पूरा पैसिफिक ओशन है ऊपर वाले को नॉर्थ पैसिफिक कहते हैं नीचे वाले को साउथ पैसिफिक कहते हैं अब यहाँ पे ये बीच में जो ये पूरा है इसको हम अटलांटिक कहते हैं ऊपर वाले को हम नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ कहते हैं अब यहाँ पे ये वाला जो है जो एशिया के नीचे ये वाला रीजन है इंडिया के नीचे उसको इंडियन ओशन कहते हैं ये जो अंटार्क के पास ये वाला रीजन है इसको हम कहते हैं साउदर्न ओशन और ऊपर वाले को आर्टिक कहते हैं अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में इसके वेस्ट ये है सो तो इसके वेस्ट में आपको पैसिफिक दिख रहा है सो पैसिफिक ओशन इज द करेक्ट ऑप्शन मूविंग ऑन

रेड सी कहाँ है रेड सी सर यहाँ पे है अब ये तीन कॉन्टिनेट्स को टच नहीं करता बिकॉज एक साइड से अफ्रीका है दूसरी साइड से एशिया है ये तो दो ही को टच करता है हमारा बेरिंग सी था बेरिंग सी यहाँ है दिस इज बेरिंग सी बेरिंग सी के एक तरफ एशिया है और बेरिंग सी के एक तरफ जो है यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा इसको भी तो दो ही टच करती हैं उसके बाद हमें दिया हुआ था अरेबियन सी अरेबियन सी भी कहाँ पे है यहां पे है और इस तरफ एक तरफ अफ्रीका है दूसरी तरफ एशिया है कहीं ना कहीं ये भी दो ही को टच करता है उसके बाद वाला ऑप्शन मेडिटेरेनियन 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 सी 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 था मेडिटेरेनियंसी ये है सी नीचे आपको अफ्रीका दिखेगा नीचे अफ्रीका है इस तरफ एशिया है ये जो है ये गल्फ कंट्रीज है एशिया है और ऊपर आपको यूरोप दिख रहा होगा सो मेडिटेरेनियन सी तीन कॉन्टिनेंट्स को टच करता है साउथ में अफ्रीका है ईस्ट में आपको एशिया दिख रहा है एंड ऊपर नॉर्थ में आपको यूरोप दिख रहा है सो ऑप्शन नंबर सी सी इज द करेक्ट ऑप्शन मेडिटेरेनियन जो है ये तीन को टच करता है अब मेरा ये बार बार मैप पे आने का यही रीजन है कि आई वॉन्ट यू टू वेज टू रिमेम्बर कि मैप में कौन सी जगह कहाँ पे है इस वेबसाइट को आप जाके चेक कर सकते हैं नेशन ऑनलाइन डॉट ऑर्ग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट जो हैं फिजिकल जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के रिलेटेड आपको मिल जाएंगे ये एक ही वेब पेज है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे मे बी इनमें से कुछ आपको लार्जेस्ट so, लेकिन like सबसे बड़ी लेको कैसपियन सी है बट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये सॉल्ट वाटर है और जो लेक स्पीरियर है ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है बट फ्रेश वाटर लेक ये सबसे बड़ी है सो so, इस तरह के फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं मेजर रिवर्स तो so, ये आप चेक कर सकते हो इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा नेशन ऑनलाइन डॉट ऑर्ग यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें वर्ल्ड जोग्राफी के रिलेटेड दिख जाएंगी मूविंग ऑन टू द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड अब लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है दुनिया का हडसन बे बे ऑफ बंगाल मैक्स गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड पर्शियन गल्फ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गल, दो बे दिए हुए और दो गल्फ दिए हुए पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको अब पर्शियन गल्फ क्या है पर्शियन गल्फ इज दिस दिस इज पर्सियन गल्फ ये छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो गल्फ कंट्रीज को uh, in, जो साउथ से सॉरी एशिया से oh, सेपरेट करता है दिस इज पर्सियन गल्फ एंड अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे नॉर्थ अमेरिका के नीचे ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ है दिस दट गल्फ ऑफ मेक्सिको इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ गल्फ ऑफ मेक्सिको इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ मूविंग ऑन टू फोर्टी विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है बाई वॉल्यूम अब यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम मतलब जिसमें ज्यादा पानी है वो आपको याद रखना है दैट इज एमेजन एमेजन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा है वो आपको याद रखना है वो नाइल है नाइल जो अफ्रीका में है दैट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर और एमेजन रिवर दैट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम जिसमें ज्यादा पानी है वो आपको कहाँ दिखता है यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका में ब्राजील में आपको दिखता है अमेजन रिवर दिस इज द दर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट रिवर बाई सो अमेजन इज द करेक्ट ऑप्शन मूविंग ऑन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इक्वेटर ट्वाइस कौन सा रिवर इक्वेटर को दो बार क्रॉस करता है जेरी रिवर नाइगर नाइल एंड अमेजन जेरी नाइगर नाइल ये तीनों अफ्रीका में है अमेजन जो है ये आपको दिखता है साउथ अमेरिका में इफ यू सी हियर यहाँ पे आपको एक रिवर दिखेगा एक कंट्री भी है दैट्स कॉल्ड एज जेरी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो सो इक्वेटर ये है एंड यू कैन सी यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको जेरी के नाम से भी जाना जाता है इसी में एक, इसी में एक रिवर है दैट इज द जेरी रिवर वो जैरी रिवर पहले यहां से आता है और फिर यहां से वापस आता है सो so, ये एक बार क्रॉस करता है इक्वेटर को बिकॉज इक्वेटर ये है सो so एक बार क्रॉस करता है फिर वापस आता है सो so दो बार ये इक्वेटर को क्रॉस करता है सो जैरी इज द करेक्ट ऑप्शन जैरीजर टूंग इज लोकेटेड बिटवीन टर्की किन दो सीज के बीच में है ब्लैक सी सी ब्लैक सी मेडिटेरेनियन गल्फ़ ऑफ स्वेज मेडिटेरेनियन गल्फ ऑफ अकाबा एंड रेड सी यू शुड रिमेंबर ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप जहां पे ये जंक्शन है अफ्रीका यूरोप और एशिया का या इसको आप अच्छे से देखिए

अब यहाँ पे जो है ये लक्षद्वीप है ये अंडमान निकोबर आइलैंड है उसके बाद मालदीव है ये नीचे छोटा सा आइलैंड है बट फोर्थ इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था दैट्स कॉल्ड एज द रियूनियन अब रियूनियन आइलैंड इट हेयर बट इट्स राइट हेयर रियूनियन आइलैंड जो है यहाँ पे मेडिगैसकर से बिल्कुल यहाँ पे आपको ये रियूनियन आइलैंड दिखते हैं रियूनियन आइलैंड छोटे से आइलैंड है यहाँ पे वो वेल्कनिक ऑरिजन के हैं दरअसल इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जब इंडिया जो है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वो गोंडवाना का पार्ट था इंडिया यहाँ पे हुआ करता था फिर धीरे धीरे इंडिया यहाँ से चलता गया आगे आगे और यहाँ पहुंचा जब यहाँ पे वो रियोनियन आइलैंड्स के ऊपर से गुजर रहा था तो यहाँ पे वैल्कनिकपशन उस टाइम पे हुई थी उसी की वजह से जो डेक प्लेट आज आप देखते हो इंडिया में वो रियूनियन आइलैंड्स

उथ इज आपको बताना है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच जो बाउंड्री है उसको किससे मार्क किया जाए या उसको कहा क्या कहा जाता है लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो वर्ल्ड जोग्राफी जब हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि फोर्टी नाइन्थ पारल हम कहते हैं किसको जो कैनेडा और यूएसए के बीच में यहाँ पे आपको जो ये कनाडा और यूएसए के बीच में ये वाली जो बॉर्डर आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं फोर्टी नाइन्थ पैरल लेकिन हमें बता रहे है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच ये नॉर्थ कोरिया है और ये नीचे साउथ कोरिया यहाँ पे ये छोटा सा इनके बीच में बॉर्डर है इसको हम क्या कहते हैं तो इसको आपको याद रखना है कि इसको हम कहते हैं थर्टी एट पैरल सो थर्टी एट पैरल जो है इट्स द बॉर्डर बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ कोरिया अब ये थर्टी एट पैरल क्यों है बिकॉज ये बीच में जो है ये बॉर्डर ये 38 डिग्री लैटिट्यूड पे आता है 38 डिग्री लैटिट्यूड इस बॉर्डर के थ्रू पास होता है सो यू कैन सी 48 45 डिग्री ये है ये 45 डिग्री है ऊपर ये 45 है और ये 38 जो है ये यहाँ पे नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच जो बॉर्डर है उसी के थ्रू ये पास होता है सो थर्टी डिग्री पैरल इज द बॉर्डर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका मूविंग ऑन मोहिंग है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन लास्ट वीडियो में हमने इंडियन स्टेट्स में देखा था कि इंडियन स्टेट्स में सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की है बट अब आपको बताए कि कौन सी कंट्री की सबसे बड़ी है अब यू शुड सी हेर यहाँ पे हम देखेंगे ये अब ये पॉलिटिकल मैप है वर्ल्ड का यू कैन सी यहाँ पे कुछ बड़ी कंट्रीज है रशिया है एक तरफ से ये रशिया है इसका भी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है अब यूनाइटेड स्टेट्स की ये छोटी सी है ये छोटी सी, ये सी यहाँ पे कोस्ट लाइन है और यहाँ से थोड़ी सी है बट यू यू सी कैनेडा कनाडा की कोस्ट लाइन अब आप चेक कीजिए छोटे छोटे-छोटे आइलैंड्स ऑलरेडी इसमें हैं। उनकी हो यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कितनी होगी? से, से, में कनाडा की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है समंदर का किनारा सबसे ज्यादा कैनेडा में बलोचिस्तान म्यांमार नेपाल एंड कश्मीर एरकन योमा हिमालयस का ही एक एक्सटेंशन है आपको बताना है कि वो कहा है अब इज दिस अरेकनियोमा यू शुड सी हयर इट्स द हिमालयस हिमालयस यहाँ पे है ये हिमालयस है ऊपर हिमालयस भी आपको पढ़ाया था मैंने कि जो यहाँ पे पूर्वांचल है पूर्वांचल मतलब साउथ नॉर्थ ईस्ट में जो यहाँ पे एक्सटेंशन है इसका अब यहाँ पे नीचे भी जो है यहाँ पे ये यह जो आप नीचे देख रहे हो ये नीचे की तरफ जा रहा है ये नीचे की तरफ जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं अंडमन निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये भी जो है ये किसका पार्ट है ये हिमालयस का एक्सटेंशन ही हिमालयस यहाँ से यहाँ तक है लेकिन यहाँ से भी नीचे की तरफ हिमालयस का ही ये पार्ट है एंड इस वाले नीचे जो पार्ट है ये इसको हम कहते हैं अराकन योमा तो मे भी आपने कहीं पे देखा होगा कि अराकन योमा का ही पार्ट अंडमन निकोबार आइलैंड्स है बट यहाँ पे हम बताना है कि यहाँ पे कौन सी कंट्री जो है अराकन योमा में लाई करती है सो दिस इज म्यांमार म्यांमार पार्ट ऑफ अराकन बिकॉज इसी म्यांमार जो है कहाँ पे है ये म्यांमार है और ये जो है ऊपर से नीचे तरफ जो है जो इस तरफ जो है ईस्टर्न साइड में जो एक्सटेंशन है हिमालयास का नीचे की तरफ उसको हम अराकन योमा कहते हैं और उसमें म्यांमार आता है अलॉन्ग विदरमन एंड an international boundary line? एन international boundary lines, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन We पड़ी Durand Line. Durand Line, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच की लाइन है देन वी हैव थर्टी एट पैरल अभी हमने देखा थर्टी एट पैरल नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच है वी हैव वन मैगनॉट लाइन मैगनॉट लाइन जो है ये यहाँ पे आपको दिखेगी uh, यूरोप में यूरोप में दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है हमारे फ्रांस एंड जर्मनी फ्रांस एंड जर्मनी के बीच का जो बॉर्डर है ये वाला यहाँ पे दैट्स कॉल्ड एज द मैगेट लाइन एंड ड्रेसिडेंट लाइन ऐसी कोई लाइन नहीं है जो ड्रेसिडेंट लाइन इज नॉट ए इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन

ग्रेट कोरल रीफ है सब so, यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ कोस्ट में आपको यहाँ पे ग्रेट कोरल रीफ आपको दिखती है द ग्रेट बैरियर जिसे कहा जाता है सो कोरल रीफ सबसे बड़ी जो है वर्ल्ड की वो कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में इज द करेक्ट ऑप्शन इसी के कोस्ट के पास है वो देन वी हैव ऑफ फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज इन दर्ल्ड दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है मैंने पढ़ा है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो एंडीस माउंटेन रेंज है जो साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका दिस इज साउथ अमेरिका और ये जो है ये माउंटेन रेंज है यहां से लेके ऊपर तक पूरी इतनी लंबी एंडीस माउंटेन रेंज है एंड and ये एंडीज माउंटेन रेंज है दिस इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बाकी हिमालय एशिया में है रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है एल्प्स आपको यूरोप में दिखेंगे यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स बट एंडीस इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मोइंग एनाटोलिया uh, किसका पार्ट है ऑस्ट्रेलिया एशिया नॉर्थ अमेरिका एंड एंटार्टिका बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है एनाटोलिया आपको बताया uh, में है बट इफ इसी टर्की का है टर्की यूरोप में भी है और उसका एक पार्ट वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है उसका एक पार्ट यूरोप में है एक पार्ट उसका एशिया में है यू शुड सी हेयर ये टर्की है और टर्की का एक पार्ट जो है वो ये, ये दिख रो आप ये इसका एक पार्ट यूरोप में है और एक पार्ट इसका एशिया में है Anatolia, Anatolia है एनाटोलिया जो वो एशिया में ही आता है सो एनाटोलिया इज इन एशिया एनाटोलिया लाइज इन एशिया यूरोप दिया ये नहीं था सो एशिया इज अ करेक्ट ऑप्शन 53 व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेन रेंज इन सेंट्रल एशिया वेयर रशिया चाइना मंगोलिया कजाकिस्तान कम टुगेदर अब यहाँ पे बताना है कि रशिया चाइना मंगोलिया और कजाकिस्तान जहां पे मिलते हैं वहां पे कौन सी माउंटेन रेंज है अल्टाई माउंटेन रेंज सयान माउंटेन उराल माउंटेन रिज एंड बाइक माउंटेन रेंज अब उराल माउंटेन्स हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि उराल ये हैं जहां पे ये जो है ये एशिया है रशिया में एंड ये इस तरफ से जो है ये यूरोप है और जो एशिया और सॉरी एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं वो बीच में ये उराल माउंटेन्स हैं एंड इफ यू सी उराल माउंटेन्स ये हैं यहाँ पे ये तो रशिया में ही आते हैं और ये कजाकिस्तान में आगे जाते हैं लेकिन हमें बताना है कि कौन सी माउंटेन रेंज मंगोलिया चाइना कजाकिस्तान और रशिया इन के जंक्शन पे है सो यू कैन से हियर इट्स ए एल टी आई दर्ट अल्टाई माउंटेन रेंज अल्टाई माउंटेन रेंज मंगोलिया चाइना कजाकिस्तान और रशिया के जंक्शन पे आपको देखेंगे सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन अल्टाई माउंटेन रेंज जो है ये रशिया चाइना मंगोलिया और कजाकिस्तान

है एंडेगा के ऊपर आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका में इट्स सेकेंड लार्जेस्ट फर्स्ट नंबर पे आपको ये ऑफ बंगाल है एंड हडसन बे इज एट नंबर टू सो लार्जेस्ट बे इज बे ऑफ बेंगाल एंड सेकंड लार्जेस्ट इज हडसन बे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन पूछा जाए हार्डसन बे कहाँ है हार्डसन बे नॉर्थ अमेरिका आपको में आपको ऊपर दिखेगा कैनेडा के नॉर्थ में सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है गल्फ ऑफ खम्बाट गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ एडिन अब यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ काश एंड गल्फ ऑफ खंबाट ये तीनों में है बट गल्फ एडन जो है ये इंडिया में नहीं है अब इनकी चारों की हम लोकेशन देखते हैं गल्फ ऑफ एड ये है सॉरी गल्फिन बट इफ यू सी यहाँ पे आपको गुजरात के पास ये एक छोटा सा गल्फ दिख रहा होगा आई होप यू कैन सी इट दिस गल्फ इज कॉल्ड एज द गल्फ ऑफ कच्छ ये वाला जो नीचे आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज द गल्फ ऑफ ये क्योंकि यहाँ पे ये कच्छ का रीजन है और यहाँ पे ये छोटा सा गल्फ है दिस इज द गल्फ ऑफ कच्छ ये गल्फ ऑफ खम्बाट है और नीचे हमने देखा था कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये वाला जो गल्फ है इट इज कॉल्ड एज द गल्फ़ ऑफ मन्नार एंड इंडिया का सबसे बड़ा गल्फ यही गल्फ ऑफ मन्नार है यहीं पे आपको ऊपर पार्क स्ट्रेट भी दिखेगी और पार्क बे दिखेगी बट नीचे जो ये गल्फ है दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार सो गल्फ ऑफ मन्नार इज द लार्जेस्ट गल्फ इन इंडिया मूविंग ऑन टू द 56 व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इंडोनेशिया का आइलैंड इनमें से कौन सा नहीं है सुमात्रा जावा बोर्नियो एंड ग्रीनलैंड सो इफ यू सी इंडोनेशिया की अगर हम बात करें इंडोनेशिया में चार मेजर आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया इज राइट हियर ये इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया में ये एक सुमात्रा आइलैंड है ये जावा है, ये जावा आइलैंड 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 है है भी कहते हैं और एक आइलैंड है ये चार मेजर आइलैंड का बना हुआ है बट इफ यू सी यहाँ पे सुमात्रा जावा बोर्नियो ये तीनों दिए हुए हैं सो यू कैन से कि ये तीनों इंडोनेशिया में हैं लेकिन जो ग्रीनलैंड है ग्रीनलैंड जो है वो जर्मनी डेनमार्क का पार्ट है वो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा सो ग्रीन लैंड इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क नॉट इंडोनेशिया इंडोनेशिया में सुम्रा जावा और बोर्नियो सिर्फ आते हैं सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जा सकते हैं फिजियोग्राफिक एंड पोलिटिकल ऑफ द वर्ल्ड में से आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई डू लाइक द वीडियो और वीडियो को शेयर कीजिए उन सारे एस्परेंट्स के साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट लग सकता है सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय